गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स. ऑलरेडी वी हैव कम्प्लीटेड आर टू चैप्टर एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. ओके, हमारा ग्लोब क्या है और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. Now we'll start the chapter. Our earth is a vast sphere which rotates on its axis. जो हमारा अर्थ है वो बहुत बड़ी एक स्फेयर है और वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है. ओके, एन एक्सिस इज एन इमेजनरी लाइन, और जो एक्सिस है वो एक इमेजनरी लाइन है. विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ के सेंटर से पास होती है. दो द अर्थ इज टेकन एज अ स्फेयर फॉर प्रैक्टिकल purpose, various scientific research have proved that it is not a perfect sphere. बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि ये एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है. It has a bulged at the center with flattened northern and southern end. इसके जो है ना एंड में, मतलब इसके सेंटर में साउथ और नॉर्थ की मतलब एंड पोल्स है. सच अ स्फीयर इज कॉल्ड जियोइड, इसको क्या कहते हैं, जियोइड. एंड इमेजनरी लाइन पासिस हॉरिजॉन्टली थ्रू द सेंटर ऑन द अर्थ सरफेस, और जो हॉरिजॉन्टली एक इमेजनरी लाइन जो पास होती है वो अर्थ के सेंटर से. इट इज कॉल्ड द इक्वेटर, उस लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेटर, जो कि हमारे अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. इट डिवाइड्स द अर्थ इन टू टू इक्वल पार्ट, जो कि अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. ओके, द नॉर्दर्न हाफ इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्दर्न हाफ है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. वाइल द सर्दर्न हाफ इज कॉल्ड द सर्दर्न हेमिस्फीयर, टू पार्ट्स में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सर्दर्न हेमिस्फीयर, टू पार्ट्स में हमारी अर्थ को ये डिवाइड करती है इक्वेटर लाइन जो है. ओके, नाउ द फ्लैटेड नॉर्दर्न एंड सर्दर्न एंड आर टू पोल्स, ये दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल विच पॉइंट्स टूवर्ड द पोल स्टार. नॉर्थ पोल जो है पॉइंट, वो हमारे किसको पॉइंट आउट करता है, पोल स्टार को. पोल स्टार को आप क्या कहते हैं, ध्रुव तारा जिसको बोला जाए. एंड द साउथ पोल, दीज पोल्स आर ऑल्सो द टू एंड पॉइंटेड पॉइंट्स ऑफ द अर्थ एक्सिस आर फिक्स पॉइंट, ये दोनों फिक्स्ड होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नाउ वी रीड अबाउट ग्लोब, व्हाट इज द ग्लोब, ग्लोब क्या है. द ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब जो है हमारे पूरे एक अर्थ का मॉडल है. यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. इट इज़ ऑफन माउंटेड ऑन अ स्टैंड सो दैट इट कैन टर्न एंड डेमोन्स्ट्रेटेड रोटेशन, इसको एक स्टैंड पे लोकेट कर रखा है, इसको आप रोटेट करके सब कुछ देख सकते हैं. ओके, यू माइट हैव सीन लाइन क्रिस क्रॉसिंग ऑन द ग्लोब, आपने देखा होगा लाइन्स जो क्रिस क्रॉसिंग करके जो ग्लोब पे बनाई गई है. दीज लाइन्स हेल्प अ कार्टियोग्राफर और जियोग्राफर टू लोकेट डिफरेंट फीचर्स, ये जो कार्टियोग्राफर और जियोग्राफर जो है उन लोगों को हेल्प करती है अलग अलग फीचर्स वगैरह ग्लोब पे मार्क करने के लिए. एंड दस इट एक्चुअल पोजिशन ऑन द अर्थ, और उसकी एक्चुअल पोजिशन क्या है उसको मार्क करने के लिए. द सेट ऑफ इमेजनरी लाइन्स विच रन्स वेस्ट टू ईस्ट ऑन द ग्लोब रिप्रेजेंट लेटिट्यूड, जो भी इमेजनरी लाइन्स है वो कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो भी चलती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, लेटिट्यूड. एंड द इमेजनरी लाइन्स ऑन द ग्लोब विच टर्न्स नॉर्थ टू साउथ, जो कि नॉर्थ से साउथ की टर्न करती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, लॉन्गिट्यूड. ओके, टू डिफाइन अ पोजिशन ऑन द अर्थ सरफेस वी नीड टू नो अबाउट द लेटिट्यूड, मतलब जो पोजिशन जो अर्थ पे जो भी मार्क करनी होती है उसके लिए हमें क्या काम आता है, लेटिट्यूड. लेटिट्यूड की हेल्प से हम लोग पोजिशन वगैरह मार्क कर सकते हैं. एंड लॉन्गिट्यूड, लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स. लॉन्गिट्यूड से क्या है ना, हमें टाइम के बारे में पता चलता है, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हमें इसकी लोकेशन के बारे में बता सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, फाइंडिंग लोकेशन. लोकेशन रेफर्स टू द प्लेस और पोजिशन दैट समथिंग ऑक्यूपाइज इन स्पेस और ऑन द अर्थ. जो भी लोकेशन जो भी है वो आपकी जो भी स्पेस वगैरह जो भी कवर हो रहा है, चाहे वो आपकी अर्थ पे हो या ऊपर स्पेस में हो, लोकेशन में भी रिलेटिव और एब्सोल्यूट, या तो किसी से रिलेटेड हो सकती है या एग्जैक्ट एब्सोल्यूटली मतलब
सेम जो आप बताते हैं वही हो सकती है, एग्जैक्ट भी हो सकती है, उससे रिलेटेड भी हो सकती है। जैसे रिलेटिव लोकेशन, एवरी प्लेस हैज़ अ लोकेशन, हर एक जगह की कोई लोकेशन होती है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ योर क्लासरूम, आप अपनी क्लासरूम की लोकेशन कैसे डिस्क्राइब करोगे? योर स्कूल और द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, जो भी आपकी स्कूल है या आपके आसपास जो पोस्ट ऑफिस वगैरह, उसकी आप लोकेशन कैसे बताओगे? मतलब किसी के रिलेट करके कोई भी चीज़ के। यू मे से दैट योर क्लासरूम इज़ क्लोज टू बैक गेट ऑफ योर स्कूल, आप ऐसे बता सकते हो आपका क्लासरूम जो है आपके स्कूल के पीछे वाले गेट के जस्ट पास में है ऑफ योर स्कूल, एंड द नेक्स्ट टू द स्टाफ रूम, या नेक्स्ट स्टाफ रूम के नेक्स्ट वाला आपका क्लासरूम है। ऑल्सो यू मे से दैट योर हाउस इज टू द राइट ऑफ पर्टिकुलर हॉस्पिटल, आपका जो घर है वो कोई भी एक हॉस्पिटल के राइट साइड की तरफ है। ऐसे करके आप रिलेटिव लोकेशन बता के आप कोई भी जगह को एक्सप्लेन कर सकते हो। हेयर यू आर यूजिंग रिलेटिव लोकेशन, यहाँ पे आप कोई उसकी रिलेटिव लोकेशन को यूज़ करो। विच डिस्क्राइब लोकेशन ऑफ अ प्लेस इन रिलेशन टू अनदर, सो व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग वेयर योर क्लासरूम इज़ इन रिलेशन टू द बैक गेट एंड द स्टाफ रूम, आपने बैक गेट या फिर आपने स्टाफ रूम की हेल्प से अपने क्लासरूम का डायरेक्शन बताया है, और वेयर योर हाउस इज़ इन रिलेशन टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जैसे नियर बाय जो भी हॉस्पिटल वगैरह उसके आपने हेल्प से अपना हाउस की लोकेशन बताई है। यू आर एक्सप्लेनिंग रिलेटिव लोकेशन, इसमें आपने क्या रिलेटिव लोकेशन एक्सप्लेन किया। सिमिलरली एज अ जियोग्राफर, इफ़ यू से द बेंगलोर इज़ टू द साउथ ऑफ हैदराबाद, जैसे बेंगलोर जो है हैदराबाद के साउथ साइड में है, यू आर यूजिंग रिलेटिव लोकेशन, आपने यहाँ पे रिलेटिव लोकेशन यूज़ किया है टू से वेयर वन सिटी इज़ इन रिलेशन टू अदर, जैसे एक सिटी जो है अदर मतलब उसके रिलेशन के अंदर है, ठीक है। एब्सोल्यूट लोकेशन जो कि एग्जैक्ट लोकेशन होती है, एवरी प्लेस ऑन द अर्थ हैज़ अ यूनिक एंड डेफिनेट लोकेशन बी इट अ सिटी, जैसे अर्थ के ऊपर सबकी एक पर्टिकुलर लोकेशन है, ठीक है। हाउस और अ शॉप, ईच वन ऑफ दीज प्लेस हैज़ एन एड्रेस ऑफ इट्स ओन, सब जगह का खुद का एड्रेस है और खुद की लोकेशन है। दिस इज एब्सोल्यूट लोकेशन, इसको क्या कहते हैं एब्सोल्यूट लोकेशन। हाउ डू वी डिटरमाइन द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ अ प्लेस, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? जियोग्राफर्स एंड कार्टोग्राफर्स यूज़ अ जियोग्राफिक ग्रिड सिस्टम, इसमें जियोग्राफिक ग्रिड सिस्टम यूज़ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ विच दे विच द लोकेशन ऑफ एनी पोर्ट ऑन द अर्थ कैन बी फाउंड, मतलब कोई भी लोकेशन ये इससे ढूंढ सकते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस लाइन क्रिस क्रॉसिंग अ ग्लोब और अ मैप, दीज लाइन्स फॉर्म द ग्रिड सिस्टम, जो भी क्रिस क्रॉसिंग जो भी लाइन्स होती है मैप पे या फिर ग्लोब पे वो क्या लोकेशन बताती है। दीज लाइन्स आर द लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, आपको बताया था लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हम लोग पोजिशन बता सकते हैं, ठीक है ना। So the absolute location of a place would be mentioned as a latitude number followed by the longitude number. Latitude number or longitude number से आप exact location बता सकते हैं। For example, the absolute location of the place acts on the globe is 60 degree west longitude and 20 degree north latitude. ऐसे करके आप बता सकते हैं, okay? Now after this you have to do one homework. Today we'll end this chapter here and tomorrow we'll again start the chapter continuously, okay? And today what homework you have to do, I'll tell you that you have to do it in your notebook. आपको ये vocabulary जो है आपको ये notebook में homework करना है, ये आपका homework है आज का, okay? And now next topic tomorrow we'll start doing, okay? Thank you.